नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमंत। चलिए डिस्कस करते हैं हम आज कुछ बातें पार्लियामेंट के बारे में, इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के बारे में। इसके बाद हमने आपको जो क्वेश्चंस दिया था वो डिस्कस करेंगे और आपके जो आंसर्स हैं वो इवेलुएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो बेसिक्स है उससे कवर कर लेते हैं। आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल्स में बांटा गया है, मतलब कि सबसे ऊपर हमारा केंद्र सरकार होता है, नीचे राज्य होता है और उसके नीचे पंचायत होता है। जो लॉ बनाने की पावर है ना, वो केंद्र में संसद को दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया है और स्टेट्स में जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना उनको दिया गया है। किया क्या गया है कि जो सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है, किनके बीच में? यूनियन और स्टेट के बीच में, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर यूनियन और स्टेट दोनों को लॉ बनाने का अधिकार है, उसको डाला गया है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट में। किसमें? कंकरेंट लिस्ट में। क्लियर बात है? यूनियन लिस्ट में यूनियन के जो सब्जेक्ट हैं वो हैं, स्टेट लिस्ट में वो विषय डाले गए हैं जिस पर राज्य को लॉ बनाने का अधिकार है, और जो विषय जिन पर दोनों को अधिकार होगा लॉ बनाने का उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। क्लियर बात? देखो, यूनियन लिस्ट पे केवल केंद्र लॉ बना सकता है। कौन? केवल केंद्र। कंकरेंट पे दोनों बना सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्टेट लिस्ट पर मेनली राज्य कानून बनाएंगे, मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, मेनली 5 परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें राज्य के साथ साथ केंद्र का जो पार्लियामेंट है वो भी स्टेट लिस्ट के विषय पर लॉ बना सकता है। इस पावर को हम लोग पार्लियामेंट का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर कहते हैं। क्लियर बात? हाँ, तो ये बातें हो गई। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर अलग होता है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना, ये अलग होता है। अलग क्यों होता है सर? इसमें जो पावर है इसको हम 3 अलग अलग अंगों में बांटते हैं। किसमें? एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में और जुडिशरी में, ठीक है ना। जो लेजिस्लेचर को पावर दिया गया है लॉ बनाने का, इस लॉ मेकिंग पावर को फेडरलिज्म के अंतर्गत 2 अलग अलग बॉडी में डिवाइड किया गया है। केंद्र में है पार्लियामेंट और राज्य में है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना। तो हम आज पढ़ेंगे उन 5 परिस्थितियों के बारे में, 5 सिचुएशंस के बारे में जहां पर संसद, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकता है। क्लियर बात है? चलो देखते हैं। हमारा सबसे पहला परिस्थिति है जब पार्लियामेंट कोई रिजोल्यूशन पास करेगा, ठीक है। अगर, ध्यान सुनिएगा, अगर राज्यसभा 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट हैं और वोटिंग हैं, अगर एक रिजोल्यूशन पास कर देते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है राज्य सूची पर, तो पार्लियामेंट को ये पावर मिल जाएगा कि वो उस सूची पर लॉ बनाए। क्लियर बात है? मतलब कि यहां पर आपका जो राज्यसभा है ना, वो दे रहा है पार्लियामेंट को पावर क्या करने का? स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाने का। क्लियर बात है? पार्लियामेंट को पावर मिल गया, मगर यहां पर राज्य की पावर खत्म नहीं हो जाएगी, राज्य भी उस विषय पर लॉ बना सकता है। सर, अगर एक ही विषय पर दोनों ने लॉ बना दिया तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। सेंटर का जो लॉ है ना वो चलेगा, राज्य पर सुपरसीड करेगा, ठीक है। दूसरा केस है इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी के दौरान जो प्रेसिडेंट लगाता है इमरजेंसी, उसके दौरान पार्लियामेंट के पास पावर होगा राज्य सूची के विषयों पर लॉ बनाने का। क्लियर बात है?
मगर यहाँ पर एक समस्या है, जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगा, जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगा उसके बाद 6 महीना गुजरने के बाद ये सारे के सारे लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे, वो ऑपरेट होना बंद हो जाएगा। मान लो कि 1 जनवरी को आपका इमरजेंसी खत्म हुआ, तो 1 जनवरी से आप 6 महीना जोड़ लो, 6 महीने के बाद आपका जो लॉ है पार्लियामेंट वाला वो ऑपरेट करना बंद हो जाएगा। तो ये हो गया 2 परिस्थितियाँ। पहला परिस्थिति क्या है, जब राज्यसभा पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। सर राज्यसभा ने कैसे एम्पावर कर दिया, क्योंकि राज्यसभा राज्य का इंटरेस्ट प्रेजेंट कर रहा है हमारे पार्लियामेंट में, क्लियर बात है। दूसरा हो गया इमरजेंसी का। तीसरा क्या है, स्टेट के रिक्वेस्ट पर अगर दो या दो से ज्यादा राज्य रेजोल्यूशन पास करता है कि आप इस विषय पर लॉ बना दीजिए हम दोनों के लिए, तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के उस विषय पर लॉ बना सकता है। ठीक है, यहां पर जो लॉ बनाया जाएगा ना वो उन्हीं राज्यों पर अप्लाई होगा जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था। फॉर एग्जांपल मान लो कि पार्लियामेंट, जैसे कि मान लो कि बिहार और यूपी दोनों मिल करके एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि आप पुलिस वाले विषय पर एक लॉ बना दीजिए, पुलिस जो है वो राज्य की सूची में आता है। अब देखो यहाँ पर पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा पुलिस के विषय पर वो केवल यूपी बिहार पर ही अप्लाई होगा, क्योंकि इन्होंने ही मांगा था वो कानून, झारखंड पर, उड़ीसा पर, बाकी राज्य पर अप्लाई नहीं होगा। क्लियर बात है, मतलब कि रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने पार्लियामेंट का पावर बढ़ा दिया, राज्य का जो सभा है, जो लेजिस्लेचर है ना, उन पर उनके बदले में ये लोग लॉ बना सकते हैं। चौथा जो कंडीशन है वो है इंटरनेशनल ट्रीटी। किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लॉ है वो बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट ने ऐसे कई सारे कानून बनाए हैं इन एग्रीमेंट को, इन ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम जो पेरिस एग्रीमेंट है ना, ग्रीन हाउस गैस वाला, पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मान लो कि हमें कोई लॉ पास करना पड़ा राज्य सूची पर, तो पार्लियामेंट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वैसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन का जो डिप्लेशन है, ओजोन गैस का जो मतलब कि जो ओजोन डिप्लीटिंग गैस है उस गैसों का इमिशन रोकने के लिए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया आपका चौथा कंडीशन, चौथा सिचुएशन। पांचवा क्या है, प्रेसिडेंट रूल। अगर किसी राज्य में शासन लगा हुआ है राष्ट्रपति का, तो पार्लियामेंट, ध्यान सुनिएगा, पार्लियामेंट राज्य का जो विधानसभा है उसकी जगह पर लॉ बना सकता है प्रेसिडेंट की अनुमति के बाद। प्रेसिडेंट बोलेगा कि राज्य का जो विधानसभा है उसकी जगह पर पार्लियामेंट तुम लॉ बना दो, तो पार्लियामेंट राज्य सूची पर भी लॉ बना सकता है। क्लियर बात। तो ये हो गए 5 परिस्थितियां जहां पर हमारे संसद के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आता है राज्य सूची पर लॉ बनाने का। यहां पर फेडरलिज्म के लिए ये एक एक्सेप्शन है। क्यों सर, फेडरलिज्म कब अपहोल्ड होता, जब राज्य वाले पर राज्य लॉ बनाता, यूनियन वाले पे यूनियन लॉ बनाता चुपचाप अपना अपना, मगर नहीं, पार्लियामेंट कभी मन नहीं भरा है, वो स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकता है। ये 5 परिस्थितियां हैं, जब आपका राज्यसभा गुहार लगा दे, जब इमरजेंसी हो जाए, जब राज्य रिक्वेस्ट कर दें, जब ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना हो, जब प्रेसिडेंट रूल हो, बस यही। ठीक है, अब हम देखते हैं सवाल को जो हमने आपको दिया था। क्वेश्चन दिया था, सिंपल सवाल यही था कि वो एक्सेप्शनल परिस्थितियां कौन सी है जहां पर संविधान पार्लियामेंट को पावर देता है स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाने का। तो आप इंट्रो में क्या लिखेंगे कि जो लेजिस्लेटिव पावर है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिख देना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। फिर बताना कि स्टेट लिस्ट पर वैसे तो राज्य लॉ बनाता है, मगर 5 परिस्थितियों में पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, और उसके बाद 5 परिस्थितियों को आप मेंशन कर देना। उसके बाद आएगा बात कंक्लूजन का। क्या आएगा, कंक्लूजन की बात आएगी,
यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप जो कमिटीज हैं उनकी रिकमेंडेशन मेंशन करेंगे कि अगर आप ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बना रहे हैं तो आपको राज्यों का सहमति लेना जरूरी है, राज्यों की सहमति लीजिए, ठीक है ना। देखते हैं आपके जो बेहतरीन आंसर जो मुझे मिले, मुझे दो आंसर बहुत ही अच्छे मिले, वो मैं अंतिम में डिस्कस करूंगा। पहले जो आपके बहुत ही कातिलाना आंसर है उनको हम देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, मैंने कहा था कि कॉपी पर अपना जो नाम है वो लिख देना। सेवेंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द थ्री लिस्ट, अच्छा रुको कलर बदलने दो। हाँ, यूनियन लिस्ट इन विच ऑनली सेंटर कैन मेक लॉ, स्टेट लिस्ट इन विच स्टेट कैन मेक लॉ, एंड कंकरेंट लिस्ट इन विच आर प्रोवाइड कौन, इन विच बोथ ना, तुमने बोथ नहीं, हम लिखना भूल गए, बोथ आर प्रोवाइड एम्पावर टू मेक लॉज, ठीक है। ये हुआ एकदम छोटा नन्हा मुन्हा सा इंट्रोडक्शन, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है। ये कॉपी श्वेता की है शायद, श्वेता अपना जो पेड आंसर राइटिंग ग्रुप है ना उसका मेंबर है। इनका इंट्रोडक्शन पहले सब स्टैंडर्ड हुआ करता था, मतलब थोड़ा सा लो क्वालिटी का हुआ करता था, मगर धीरे धीरे इन्होंने प्रैक्टिस करती रही और सुधार काफी अच्छा आया है, बहुत अच्छा। इन्होंने कहा कि पांच परिस्थितियां हैं जहां पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। व्हेन राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन, बहुत बढ़िया। स्टेट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मेक लॉज, बढ़िया इन केस, हाँ ठीक है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, फेडरल ठीक है। पार्लियामेंट कैन बिकम सोवरेन टू मेंटेन, पार्लियामेंट बिकम सोवरेन ऐसे कैसे, ड्यूरिंग इमरजेंसी फेडरल सिस्टम कन्वर्ट इनटू यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। पार्लियामेंट बिकम सोवरेन, सोवरेन की बात तब आती है ना जो आप डील करते हैं दूसरे स्टेट से, एक्सटर्नल स्टेट से। हमारे यहाँ कोई सोवरेन नहीं है, हमारे यहाँ जनता सोवरेन है, ठीक। टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन पार्लियामेंट टेक ओवर ओवर द पावर टू मेक लॉ, ठीक है। यहाँ पर सोवरेन वर्ड सही नहीं है, हाँ ये कह सकती हूँ कि पार्लियामेंट बिकम फुल्ली एम्पावर्ड, मतलब पार्लियामेंट बिकम ऑल पावरफुल टू इनैक्ट लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट, ऐसा लिख सकते। प्रेसिडेंट रूल, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल स्टेट लेजिस्लेचर इज डिसॉल्व बाय गवर्नर, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर गवर्नर चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड भी कर सकता है, उसको डिसॉल्व कर सकता है अगर उसका मन करे, वर्स्ट केस में डिसॉल्व करता है, उसको सस्पेंड ही रखता है, ठीक है ना। गवर्नर सस्पेंड ही रखता है, तो थोड़ा सा वर्ड पे ध्यान देना कि कहाँ डिसॉल्व यूज करना है, कहाँ सस्पेंड यूज करना है, थोड़ा ध्यान से। एंड कंट्रोल टू हैंडल द, ठीक है, गोज टू द पार्लियामेंट। व्हेन अ स्टेट और मोर देन वन टू, मोर देन वन, हाँ ठीक है, टू और मोर कह सकते सीधा सीधा। रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट बट ओनली प्रिवेल ऑन दोज स्टेट हु हैव, थोड़ा सा अंग्रेजी पर ध्यान देना यहाँ पर, तुम और सिंपल वर्ड्स सिंपल सेंटेंसेस का यूज कर सकती हो, हाँ लिखते लिखते आ जाएगा। टू मेंटेन इंटरनेशनल ट्रीटी, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटी। एक्सटर्नल अफेयर इज सब्जेक्ट टू सेंट्रल लिस्ट बट इट इज, बट इफ इट अफेक्ट द स्टेट लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन विद जॉइंट वेंचर ऑफ USA एंड इंडिया इज, देन पार्लियामेंट इज फुली एम्पावर टू मेक लॉ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इट मे सीम टू बी वायलेशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर बट टू मेंटेन यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन इन कंट्री इट इज नेसेसरी, बहुत बढ़िया, ठीक है। कंक्लूजन इनका बढ़िया है यहाँ पर, इंट्रो इनका बढ़िया है यहाँ पर, तो इनसे आप इंट्रो एंड कंक्लूजन लिखना सीख सकते हैं। बस थोड़े से वर्ड पर ध्यान देना कि सही जगह पर सही शब्द कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। ये 150 वर्ड का क्वेश्चन था, 10 मार्क्स का सवाल था, मैं आपको यहाँ पर 10 में से 2.5 मार्क्स दूंगा, ठीक है। आपको टारगेट करना है कि 10 में से हमको 4 या 5 मार्क्स आ जाए एग्जाम में, ठीक है। 5 मार्क्स आपको आराम से आ जाएगा अगर आप अच्छा आंसर लिख लेंगे 10 में तो, ठीक है ना। हाँ, तो 4 या 5 आंसर मार्क्स अगर आपको को अगर मेरे से मिल रहे हैं तो समझिएगा आपका आंसर, आपका आंसर बहुत बढ़िया है। चलो, वे कौन सी असाधारण परिस्थितियां हैं जिनके तहत संविधान को राज्य सूची में, ठीक है, यही सही है। सेवेंथ अनुसूची, हाँ यहाँ पर आप एक काम और कर सकते थे कि इंट्रोडक्शन में आपने जो लिखा है ना कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, इसी इंट्रोडक्शन को आप डायग्राम के जरिए बता सकते थे। ट्रायंगल बना दो, एक ट्रायंगल बना दो और बता दो कि ये आपका यूनियन लिस्ट है, ये आपका स्टेट लिस्ट है,
ये आपका कंकरेंट लिस्ट है ना, क्लियर बात है। और बता दो कि यूनियन के लिए पार्लियामेंट होता है, राज्य के लिए स्टेट लेजिस्लेचर होता है, और कंकरेंट के लिए दोनों होता है, या तो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है ना। यहां पर आपका स्टेट का हो गया, यहां पर आपका यह स्टेट लिस्ट हो गया, यह आपका यूनियन लिस्ट हो गया, यह आपका कंकरेंट लिस्ट हो गया, जहां पर दोनों राज्य और जो आपका पार्लियामेंट है दोनों बना सकता है लॉ। तो डायग्राम बनाने का अपना अपना जो स्किल है ना, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा देखते देखते। हर चीज अंदर से आए कोई जरूरी नहीं है, हम लोग काफी चीजें देख के सीखते हैं। हाँ देखो, हमारे यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि किसी से कुछ पूछो तो थोड़ा सा लंबा जवाब देता है, एक व्यक्ति होता है जो शॉर्ट में जवाब देता है। उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी जिंदगी जी चुका। जैसे कि खाना खाओगे, हाँ, बाहर जाओगे, नहीं, मार खाओगे, हाँ। तो इस तरह के जो क्वेश्चन, वन वर्ड उनका आंसर होता है। तो यहाँ पर आप बहुत ही छोटा आंसर है, थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहिए था। यहाँ पर आपने पॉइंट सही लिखे हैं, थोड़ा सा और एलेबोरेट कीजिए। क्या पांच हैं? राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे, बहुत बढ़िया। आपातकाल के दौरान, ठीक है। अनुरोध करने पर राज्यसभा राज्य के द्वारा, ठीक है। थोड़ा सा और बोलना चाहिए ना कि दो या दो से ज्यादा राज्य संसद से अनुरोध करें तो, ठीक है ना। प्रेसिडेंट रूल के दौरान, ठीक है। समझौते के लिए, ठीक है। ये वही वाला बात है, एक शब्द वाला ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1.5 जो मार्क्स है वो मिलेगा। आपको केवल कंटेंट नहीं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है और इम्प्रूव कीजिएगा इसको, ठीक है। वैसे यहाँ पर 2.5 नहीं मिलना चाहिए था, 2 मिलना चाहिए था। चलो आगे, ये भी वही है। खाना खाओगे, हाँ। जब राज्यसभा के लिए संकल्प पारित करें, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, दो से अधिक राज्यसभा, ठीक है, थोड़ा सा बेहतर है उनसे। जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते संधि जरूरी हो, राज्य में लागू हो, ठीक है। ये 5 पॉइंट उन्होंने लिख दिया। और अपने आंसर में इंट्रो बॉडी कंक्लूजन नहीं लिखना है, आंसर में ये नहीं लिखना है, आप सीधे आंसर लिखते चले जाइए, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से बॉडी है, यहाँ से कंक्लूजन है। हाँ देखो, इन्होंने ये बढ़िया लिखा है, संघ सूची, राज्य सूची, समर सूची, इन्होंने थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया है बना करके तीर वीर, हाँ। तो इसकी जरूरत नहीं थी, इसका आपके आंसर में जरूरत नहीं था, ये आपने लिख दिया, इसका वैसे जरूरत नहीं था। हाँ, आप इसकी जगह लिख सकते थे कि संघ सूची पर बनाएगा आपका यूनियन, राज्य पर राज्य, समृद्धि पर राज्य और केंद्र दोनों, ज़्यादा अच्छा होता अगर आप ये लिखते इसके जगह पे तो, ठीक है ना। यहाँ पर भी 1.5। चलो अगला, इंट्रोडक्शन, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अंडर, हाँ ठीक है। सवाल आपने काफ़ी ज़्यादा लिख दिया है, ये आपका बस, ये वेदा का आंसर है। आपका 150 वर्ड का ये क्वेश्चन था, आपका जो ओवर वर्ड है ना वो लिमिट पार कर गया है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, हाँ। इतना डिटेल्स लिखना है, आर्टिकल वगैरह ठीक है, मगर इतना डिटेल में नहीं लिखना है आपको आंसर, शॉर्ट में ही रखिए। ठीक है, बढ़िया। Enacted law will be applicable only to those state which have passed resolution, ठीक है। Such law will be repealed or amended only by the parliament, ठीक है, बढ़िया। कुछ ज़्यादा लिख दिया आपने, ऐसे आप सेंटेंस कट कर सकते थे, वर्ड्स कट, जैसे कि इस सेंटेंस का कोई यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। वो पूछ रहा है कौन सा कंडीशन है, आप बस कंडीशन लिखिए और छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। वो कौन से पर अप्लाई होगा, कौन से पर ये होगा, वो उतना थोड़ा शॉर्ट में लिख सकती थी इसको, आर्टिकल 253, ठीक है। इन्होंने ये कम अच्छा किया है कि इन्होंने जो आर्टिकल्स हैं वो मेंशन किए हैं, 250, 252, 253, मगर आपका वर्ड लिमिट बहुत क्रॉस कर गया है, आपके जो बाकी क्वेश्चन हैं छूटेंगे, प्लस आंसर का क्वालिटी थोड़ा सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा इन आर्टिकल को इतना लंबा लिखने के बावजूद भी। ऑफ एंड डिफाइन पॉसिबल, हाँ ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक है इनका, इनका जो कंक्लूजन बढ़िया है, जो संविधान है हमारा वो क्वासी फेडरल है, इट कैन बी राइटली सेड दैट एज आवर प्राइमरी फेडरल इन नेचर विथ यूनिक फीचर दैट फेडरल बट इज प्रिटी नॉट, ठीक है। और छोटा करो, सेंटेंस आपके जितने छोटे हो उतना बढ़िया, आपका सेंटेंस जितना छोटा हो उतना बढ़िया, ठीक है, हाँ। इंट्रो लंबा हो गया बाबू, इंट्रो कम करो, इंट्रो छोटा कीजिए, एक लाइन दो लाइन इतना मैक्सिमम इंट्रो होना चाहिए, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह का यूज करो।
देखो ऐसे आंसर आपको ढेर सारे मिलेंगे, इस तरह के जो जनरल आंसर है ना ये बिलो एवरेज आंसर कहेंगे हम इसको। यहाँ पर आपका कोई भी क्रिएटिविटी नहीं नज़र आ रही है, आपने कोई डायग्राम यूज़ नहीं किया है, आपने कोई आर्टिकल वगैरह यूज़ नहीं किया है, तो इस तरह के जो आंसर्स हैं आपको बिलो एवरेज मार्क्स मिलेगा। थोड़ा सा सीखिए कैसे लिखा जाता है आंसर, ठीक है ना। वर्ड्स जो आपका सेंटेंस है छोटा छोटा रखिए, आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। अब कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्ट्रेशन टू वर्क अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल स्टेट हैज नो राइट टू सीट फ्रॉम पर्सन, इसका क्या जरूरत था, इसका क्या जरूरत था कि केंद्र से अलग होने का पावर वगैरह नहीं है, इसको जरूरत नहीं था। इवन आफ्टर बीइंग अ फेडरल स्ट्रक्चर कंट्री एंड हैविंग सेंटर हैज प्रिविलेज टू मेक सुधारो कंक्लूजन, इस पर काम करो, इंट्रो कंक्लूजन दोनों ठीक करो, ठीक है। वन एंड हाफ यहाँ भी ठीक है, ये आंसर मुझे थोड़ा सा ठीक लगा क्योंकि इन्होंने काम किया है, इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ना इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। इन्होंने दिया एग्जांपल जेनेवा कन्वेंशन एक्ट का, ठीक है ना। तो यही से हल्की हल्की छोटी छोटी सी बातें आपके आंसर को अलग करती हैं दूसरों से। जैसे कि अभी तक इन्होंने किसी ने एग्जाम्पल नहीं दिया था, आपने एग्जाम्पल दिया, आपको ज़्यादा मार्क्स दूंगा, ठीक है ना। वाटर वाला जो एक्ट है आपने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, आपको एग्जाम्पल देना चाहिए था। बाकी देखो बाकी में तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, जैसे कि इमरजेंसी वाला ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है, दो एग्जाम्पल दिया बहुत है। चलो तो यहाँ पर आपको जो हाँ प्रेसिडेंट रूल कंक्लूजन, ठीक है, आपको ढाई मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। हाँ मैंने तीन क्यों नहीं दिया, मैं बताता हूँ अभी आपको तीन कब मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में, आपको ऐसे क्वेश्चन में तीन कब मिलेगा आपको बताता हूँ। देखो रानी मुदनवाल, ठीक है, ये आंसर किसका था जी, ये आंसर है गायत्री नायर, बहुत अच्छे, तुम्हारा कल भी आंसर मैंने देखा था, ठीक था, और लिखो अच्छे से, ठीक है। संघ सूची आपने वर्ड लिमिट, ठीक है, आपका जो कंक्लूजन है वो मिसिंग है, कंक्लूजन आपका मिसिंग है, कंक्लूजन दीजिए यहां पर। इंट्रो आपका बढ़िया है, हाँ, दोबारा आप जो डायग्राम है वो बनाइए, डायग्राम वगैरह जहां भी बनाओगे ज्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है, दो मार्क्स। ये जो आंसर है ना ये मुझे अभी तक सबसे बढ़िया लगा है, इन्होंने सरकारिया कमीशन का जो रिकमेंडेशन है इन्होंने इसको मेंशन किया है, तुम में से किसी ने मेंशन नहीं किया है। सरकारिया कमीशन के अनुसार स्ट्रॉन्ग सेंटर इज एसेंशियल टू सेफगार्ड द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी विच इज बीइंग थ्रेटेंड बाय द फिस्पेरस टेंडेंसी इन द बॉडी पॉलिटिक, बहुत बढ़िया। हाउएवर इट डिड नॉट इक्वेट स्ट्रॉन्ग सेंटर विथ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बहुत अच्छे। यहाँ पर जो सेंट्रलाइजेशन है ना वो नहीं है, इसी कारण से जो लेजिस्लेटिव पावर है वो दोनों को दिया गया है, राज्य को भी और केंद्र को भी। थोड़ा सा तुमने यहाँ पर डैमेज कर दिया, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था इंट्रोडक्शन, तुमने इंट्रोडक्शन बेहतर करते करते जरा सा जो होता है ना फिसल गए बस, जरा सा कोई दिक्कत नहीं सुधर जाओगे। यहाँ पर बहुत अच्छा आपका इंट्रोडक्शन आपका जो कंक्लूजन है ना वो जाता, ठीक है। ये बढ़िया काम किया कि आपने जो डायग्राम वगैरह है वो यूज़ किया, ठीक है, हाँ कोशिश अच्छी है। प्लस आपने जो यहाँ पर एग्जांपल है ना वो यूज़ किया है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर आपको 3.5 नंबर मिलेंगे, 3.5 नंबर आपको 10 में मिलेंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है आपने, कंक्लूजन आपका ठीक है, इंट्रो आप थोड़ा सा छोटा कर सकते थे, ठीक है ना। हाँ बाकी तो सब कॉमन, बाकी सब जनरल ही है, ठीक है, क्लियर है। हाँ तो ये थी बातें हमारी, और हमने देखा कि कहाँ पर क्या, देखो जैसे कि यहाँ पर इसने वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का आपने नाम कितनी बार सुना होगा, मगर इन्होंने इसको इस्तेमाल किया, इस कानून को एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल किया, हाँ ठीक है। तो ये सब बातें हैं। चलो अब लक्ष्मीकांत आपको एकदम ढंग से पढ़ना है, वहाँ पर आपको सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गई बातें, आप करना क्या, हाँ ये वीडियो मेनली उनके लिए है जो सुबह सुबह डेली टारगेट देखते हैं, तो वो तो आप करते ही हो, डेली आप आंसर लिखते ही लिखते हो। बाकी अगर आपको वीडियो से फ़ायदा होता है तो उसको आप शेयर कीजिए जहाँ पर भी हो सके, इसका व्यूज़ वगैरह बढ़ाइए।
हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।